सीएसके के फाइनल मुकाबले से पहले एमएस धोनी का बड़ा ऐलान, अपने संन्यास पर दिया अपडेट। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच चेन्नई के चेपॉक में मुकाबले खेला गया। इस मैच में सीएसके ने गत चैंपियन गुजरात टाइटंस को 15 रनों से हरा सीजन के फाइनल में एंट्री हासिल कर ली है। अब सीएसके को अपने 5वें आईपीएल ट्रॉफी को जीतने के लिए सिर्फ एक मैच और जीतना है। इस साल सीएसके को फैंस की तरफ से गजब का सपोर्ट मिला है। इसके पीछे कारण है एमएस धोनी और उनके करियर का अंतिम चरण। फैंस पूरे सीजन अपने चहेते एमएस धोनी को एक आखिरी बार खेलते हुए देखने के लिए मैदान पर भारी तादाद में पहुंचे। माना जा रहा है कि एमएस धोनी इस आईपीएल के बाद संन्यास ले सकते हैं, लेकिन माही ने अब अपने रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ा अपडेट दे दिया है। धोनी ने दिया बड़ा अपडेट। आईपीएल में सीएसके ने 10वीं बार एमएस धोनी की कप्तानी में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मैच खत्म होने के बाद धोनी ने अपने संन्यास पर कहा कि वो खेलना जारी रखे या नहीं, लेकिन हमेशा चेन्नई की टीम के साथ रहना पसंद करेंगे। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली जीत के बाद धोनी से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब हर्षा भोगले ने पूछा कि क्या आप फिर से यहां चेन्नई खेलेंगे, तब धोनी ने एक दिल जीत लेने वाला बयान दे दिया। धोनी ने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे पास फैसला करने के लिए 8-9 महीने हैं। मेरे पास सोचने के लिए पर्याप्त समय है, ऐसे में अभी इस बारे में सोचकर मैं सिरदर्दी नहीं लेना चाहता हूँ। उद्धरण डॉट। चेन्नई को 4 बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान ने आगे कहा कि बात चेन्नई के लिए मैदान पर खेलने की हो या बाउंड्री के बाहर बैठने की, मैं चेन्नई के साथ रहना ही पसंद करूंगा। उन्होंने कहा कि आईपीएल की अगली नीलामी दिसंबर में है, उस समय इस बारे में सोचूंगा। मैं इस साल जनवरी से घर से बाहर हूं, मार्च से अभ्यास कर रहा हूं, इस पर बाद में देखेंगे। धोनी के इस बयान से साफ हो रहा है कि वो अपने संन्यास को लेकर अभी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं।